नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गोड्डा से पीरपैंती के बीच बहुत जल्द जो काम है शुरू होने वाला, उसी का दोस्तों अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी आ चुका है और मुझे भी जानकारी प्राप्त रात में हो चुकी थी, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आ चुकी है और क्या डिटेल्स है आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी कब से गोड्डा पीरपैंती के बीच रेल लाइन का काम शुरू होगा। स्क्रीनशॉट लगा दिया ताकि आप सबको यह ना लगे कि यह फेक न्यूज है। बहुत सारे जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो दोस्तों इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं ताकि आप सबको यह बात लग जाए कि हाँ यह अपडेट सही है। तो दोस्तों आप लोग बता दें कि गोड्डा पीरपैंती का जो काम है वह कब से शुरू होगा, गोड्डा और मेघालय के बीच कितना स्टेशन रहेगा, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है इस चैनल में गोड्डा से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों गोड्डा से फर्स्ट पेज जो काम शुरू होगा वो गोड्डा से मेघालय के बीच तक होगा। मेघालय से जो पीरपैंती है वो सेकंड पेज में होगा। मेघालय से पीरपैंती के बीच जो रेलवे ट्रैक बिछेगी उस पर अभी थोड़ा सा लेट होगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग बता दें कि इसमें झारखंड और बिहार दोनों का जमीन है जिसका अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। जैसे ही अधिग्रहण का काम पूरा हो जाता है तब जाके मेघालय से पीरपैंती के बीच रेलवे ट्रैक का काम शुरू होता है। आइए महत्वपूर्ण बात को जानते हैं। गोड्डा से मेघालय के बीच कुल 31 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, जहां पर रेलवे का जो लाइन है वो बिछने का कार्य दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगी को लेकर सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। गोड्डा से मेघालय यदि रेल लाइन बिछ जाती है और ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाता है तो दोस्तों मेघालय और गोड्डा और पथरगामा के जो लोग हैं उनके लिए विकास का जो दरवाजा है वो खुल जाएगी। दोस्तों गोड्डा और मेघालय के बीच जो ट्रेन प्रारंभ होगी वह इलेक्ट्रिक से चलेगी। इस पूरे काम को यानी कि गोड्डा से मेघालय जो कार्य है वह 2 से 2.5 साल में पूरा कंप्लीट करना है। जैसे कि दोस्तों आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2025 तक में गोड्डा से मेघालय के बीच ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगी। वही दोस्तों खबर के अनुसार पता चला है कि गोड्डा से मेघालय के बीच 2 स्टेशन बनेंगे। आइए उन स्टेशन को जानते हैं कि आखिर वह स्टेशन कहां कहां पर बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दें कि गोड्डा स्टेशन से जब ट्रेन प्रारंभ होगी मेघालय के लिए, तो गोड्डा से जब यह ट्रेन खुलेगी तो पहले बलबटिया में रुकेगी। वही दोस्तों बलबटिया से खुलने के बाद यह ट्रेन पथरगामा में रुकेगी, पथरगामा से खुलने के बाद डायरेक्ट यह ट्रेन मेघालय स्टेशन पहुंचेगी। दोस्तों इसका कार्य भी इसी तरह होना है। गोड्डा से बलबटिया तक पहले रेल लाइन को बिछाया जाएगा, फिर बलबटिया से लेकर पथरगामा तक रेल लाइन को बिछाया जाएगा, इसके बाद पथरगामा से मेघालय तक बिछाया जाएगा। इधर दोस्तों मेघालय से पीरपैंती के बीच अधिग्रहण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही पूरा जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा तो इस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। अभी बस इतना ही जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है कि गोड्डा से मेघालय दिसंबर 2023 से कार्य शुरू होने जा रहा है। दिनों से हमारे वीडियो में बार बार कमेंट आ रहे थे कब से इस ट्रैक का निर्माण होगा, गोड्डा पाकु को भी लेकर कई सारे कमेंट आते रहते हैं। दोस्तों जो भी अपडेट होता है मैं आप सबके लिए इस चैनल पर लेकर आते रहता हूं। जितने भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों अगले महीना से आप सबको हमेशा गोड्डा स्टेशन से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों वॉशिंग पिट का जो कार्य है वो शुरू हो रहा है, गोड्डा पाकु का कार्य शुरू हो रहा है, गोड्डा पीरपैंती का कार्य शुरू हो रहा है और कई सारे चीजें यानी कि पूर्ण निर्माण गोड्डा स्टेशन का फिर से होने वाला है, तो उसकी सारी जानकारी आप सबको इस चैनल के माध्यम से लगातार देखने को मिलता रहेगा। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर के साथ साथ यात्री की सुविधा के लिए वाईफाई की फैसिलिटी भी होगी। वही दोस्तों इसके सिवा अन्य वेटिंग रूम और कई सारे फैसिलिटी आप सबको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार ये भी बात सामने आया है कि जब गोड्डा मेघालय रेल लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो इस लाइन पर कोयला की भी ढुलाई होगी। दोस्तों मैं आप सबको कोशिश करूंगा संडे को फिर से गोड्डा स्टेशन जाकर दिखाने का, वॉशिंग पिट का जो कार्य हुआ कहां पर होगा, कहां से गोड्डा से पीरपैंती के लिए ट्रैक बिछना प्रारंभ होगी, वो सारा चीज आप सबको संडे को हो सके आप सबको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कल ही रात में मुझे ये अपडेट मिली थी और आज सुबह मैंने आप सबको इस खबर को आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। यदि आज की इस वीडियो से आप सबको कुछ जानने को मिला होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में गोड्डा रेलवे स्टेशन जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि इस चैनल पे हमेशा गोड्डा स्टेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं वह सारा चीज आप सबको मेरे चैनल में सबसे पहले देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।